एक व्यक्ति को फांसी होने वाली होती है और तब तक वहीं पर एक साइंटिस्ट आ जाता है और राष्ट्रपति से कहता है, सर मेरे को वो आदमी चाहिए जिसकी फांसी होने वाली है। तो राष्ट्रपति कहते हैं, क्यों तुम क्या करोगे? तब वह साइंटिस्ट कहता है, सर मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, अगर वह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तब हम अपने देश के कई लोगों को बचा सकते हैं। तब वह राष्ट्रपति बोले, ठीक है लेकर जाओ। साइंटिस्ट उस व्यक्ति को लेकर चला जाता है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और जाकर सो जाता है। फिर सुबह जब आता है तब उससे कहता है, फांसी नहीं होगी बल्कि मैं तुम्हें अब जहरीले सांप से कटाकर तुम्हारी मौत कर दूंगा। तब व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पूरा पसीना पसीना लगता है उसे छूटने और वह डर जाता है। फिर वह साइंटिस्ट एक सुई लाता है और उसके शरीर में चुभा देता है। कैदी जानता है कि मेरे को सांप ने काट लिया है। फिर वह यही सोचता है कि मुझे सांप ने काट लिया और वह सोचते सोचते मर जाता है। फिर वह साइंटिस्ट उस बॉडी को लेकर जाता है पोस्टमार्टम के लिए। फिर वह जब पोस्टमार्टम करता है तो उसका रिपोर्ट निकलता है कि इसे सुई चुभाने से नहीं बल्कि इसे हार्ट अटैक आ गया। इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि इसे हाँ सच में ही सांप काट लिया है। आज परेशानियां कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसे दिल से नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को अच्छा समझा पाया हूँ तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।